तो हम भी जिंदगी में बहुत सारी चीज लाते हैं, अब जब वो कामयाब नहीं होती तो हम छोड़ देते हैं। ये जो दुष्प्रचार है खासतौर से दलितों में है और निगेटिव लोगों में, जो कर कुछ नहीं सकते, लोग नहीं है लेकिन किसी सभा को खराब करने के लिए पर्याप्त। भाई इसे तो जापान भी लाया था, अमेरिका भी लाया था, जर्मनी भी लाया था, ऐसे लोग की जरूरत आगे है हमें नहीं पड़ेगी, ये निगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। बीजेपी को भी अटैक करो, कांग्रेस को भी अटैक करो, कोई तरीका है? इन्हें कुल मिला करके आप सबको दुश्मन बना दो। ये सोशल मीडिया पे चलता खासतौर से बीएसपी वाले करते, बीएसपी वालों की लाइन यही है, मतलब कुल मिला के कि बीजेपी की मदद करना या कहना बीजेपी की मदद के बराबर है। अरे किस कंट्री ने 32 कंट्री ईवीएम लाई? पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे, ज्यादा सुटेबल हुआ तब पैंट शर्ट पर आ गए। इस तरह का जो विचार करने वाले हैं लोग, आगे से नहीं आए, नहीं हमें रोकना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी का मंच है और किसी सीनियर को बुलाया जाता है उस तरह से बोला जाता है, बातचीत किया जाता है, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, अपनी भड़ास निकालने के नहीं लड़ी जाती, और ये बहुत गलत बात है। जाइए लड़िए, फिर अपने मंच बना के लड़िए। ये कोई तर्क होता कि कांग्रेस लाई है? अरे कौन सा देश नहीं लाया भाई, जो देश लाया उसने देखा बाद में ब्लूटूथ डेवलप हो गया, पेगासस डेवलप हो गया, तमाम सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, वही भारत में हुआ। विरोध करने का अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा इससे, विरोध करने का अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा इससे, वही कह रहा हूँ। इससे क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा सत्यानाश इस समय दलित मूवमेंट कर रहा है, जो अल्ट्रा है, जिनके जो मैदानों में नहीं उतरते, घरों में बैठ करके सबकी बखिया उखाड़ते रहते, हिम्मत नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं। नहीं नहीं, बहुत बहुत सीरियस बात है, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं, ऐसे मोमेंट नहीं, लाख लाख हमारे साथ पर लोग आते हैं और 3 संवैधानिक संशोधन कराया। घर में आप क्रांति कर लो कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, वो साला खराब है, ये सार्वजनिक मंच है, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हमें साथ लेना है। मरने का कौन मरेगा, ज्यादातर मुसलमान मरेगा, क्रिश्चियन मरेगा, गरीब मरेगा, दलित मरेगा, उसका तो ध्यान नहीं दिया जा रहा कि कम्युनिटी का, कम्युनिटी भुगतेगी, उसको जहन में रख के देखिए ना आप, तो ये देखना चाहिए। कुल मिला करके यहाँ भी गाली देना, वहां भी गाली देना, चले थे आए थे सत्ता कब्जा करने, पहुंच सत्ता कब्जा कर लेते, भागीदारी करते, कांग्रेस को कमजोर कर दिया, किसको बैठा दिया भाई, नौकरी खत्म करा ली, प्राइवेटाइजेशन करा लिया, ऐसे लोगों ने ही कराया है। केवल गाली दे लोगों को, लोग इकट्ठा किया, तिलक तराजू तलवार मारो जूते चार, वो तो इकट्ठा कर लिया अपने फायदे के लिए, लेकिन वो जूते चार मारने के एवज में मिला क्या, जो भी था सब चला गया, हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ ना, वही लाइन अभी भी चल रही। 16% लोग सत्ता में आ सकते हैं, 84% लोगों को, 16% जेब में नहीं है, कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, गाली दो, बुराई करो, ये सारा। इस समय एकमात्र दुश्मन हमारा आरएसएस होना चाहिए, बिल्कुल केवल एक दुश्मन आरएसएस, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। तो मेरा देखिए मकसद चतुर्वेदी जी भाई, गलत बात, तो ये अगर आरएसएस केवल बीजेपी को आप टारगेट बनाना है तो आइए, और ये भी बात करना है, वो भी बात करना है, तो मत आइए। तो ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि सारी हर पार्टी पूरा काम नहीं करती, मैं भी हूँ नहीं हूँ, लेकिन इस समय दुश्मन को देख करके आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आज तेलंगाना विधानसभा में मुसलमान स्पीकर की उपस्थिति में 8 MLA ने शपथ लेने से बहिष्कार किया, वो बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप अछूत से अछूत हो गए, वो भी नहीं समझ में आ रहे, अपनी भड़ास समझ में आती? लोग अपनी जो सोचते हैं, देखिए मैं बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी, अपनी गलती खुद सुधारता हूँ, गलत होता हूँ तो गलत मानता हूँ, ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ अंतिम वही नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से
फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ तो भैया लास्ट में यही मैं कहूँगा, तीन तरह के लोग हमें चाहिए। ईमानदारी से जबरदस्ती नाम मत लिखवाइए, जबरदस्ती ना कि मेरा भी नाम ले लो, आप नुकसान ही करोगे। जिनके पास पब्लिक है वो, जिनके पास धन की शक्ति है वो, और जो अपना मीडिया चलाते हैं जैसे कुछ लोग हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।